एक होता है जगह ढूंढना, एक होता है जगह बनाना, और फिर आता है एक जगह को, एक प्लेटफॉर्म को ओन करना। और आज हमारे साथ एक ऐसी मोहतरमा मौजूद है जो फिलहाल ओटीटी को ओन कर बैठी है। जी हाँ, बिल्कुल बेशक। और इन्होंने जितनी अपनी कलाकारी से, अदाकारी से दिल जीता है लोगों का, भाई क्या कहने, हम तो खुद कायल हैं उनके। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम विद अस नन अदर देन सो ब्यूटीफुल, सो टैलेंटेड अपूर्वा अरोड़ा। बहुत बहुत स्वागत है अपूर्वा आपका। थैंक यू सो मच। आपने आते ही दिल खुश कर दिया। क्या बात है। अच्छा अपूर्वा, जैसा कि आपका नाम है, जैसा कि आपके नाम का अर्थ भी है यागाना, यूनिक, एकदम जो होता है ना रेयर टू फाइंड, वैसी आपकी एक्टिंग भी है। लेकिन मैं शुरू से शुरू करना चाहूंगा, हाउ डिड यू एंटर्ड इन एक्टिंग, कैसे आपने इतने सारे लोगों का दिल जीतने की सोची? ऑनेस्टली कभी प्लान ये नहीं था कि एक्टर बनना है। हमेशा से दिमाग में ये चलता था कि यार कभी परफॉर्मर बनना है, कभी स्टेज पर जाने का मौका मिलेगा, कभी कैमरा तो सोचा भी नहीं था क्योंकि स्कूल में हमेशा से स्टेज और ये सब ही देखा था। फिर एनएसडी चली गई तो फिर वहां पे भी लाइक हमारे प्ले होते थे, प्रेजेंटेशन वगैरह। तो मैं ये सोचती थी कि मुझे कभी बस परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाने का मौका मिल जाए तो शायद मैं कोरियोग्राफर बन जाऊं, या मुझे डायरेक्टर बनना है, या कभी इस तरह के ख्याल आते रहते थे। बट पता नहीं था कि ये सच्चाई में बदल भी सकता है या किस तरीके से मैं इस रूट को अपना सकती हूँ। बट धीरे 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 करते करते लकीली लोगों ने मुझे नोटिस किया जब मैं एनएसडी के साथ थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कर रही थी, और किसी ने फिल्म के लिए कॉल किया। तो फिर अच्छी बात ये थी कि मेरे पेरेंट्स ने रोक नहीं लगाई उस बात पे कि आप नहीं जा सकते हो फिल्मों में। तो पढ़ाई के साथ साथ फिर मुझे धीरे 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 करके मौके मिलने लगे और चीजें आने लगी। अच्छा वैसे ना काफी लोगों को पता नहीं है, लेकिन मेरा और आपका एक कनेक्शन भी है, और आपको भी नहीं पता होगा, इवन आपने एक सीरीज की थी खट्टा मीठा, कोटा ओ यस, में शूट हुई थी, वो कोटा के स्टूडेंट के ऊपर हाँ बेस्ड थी जी, लाइफ। मैं कोटा राजस्थान का ही रहने वाला हूँ वैसे, तो ओ मैंने वो सीरीज बहुत रच कर देखी, एंड आई लव योर एक्टिंग। मतलब बहुत अच्छी तरह से जो स्टूडेंट लाइफ को दिखाया है, फैमिली को दिखाया है, क्या प्रेशर होता है। तो मैं ये जानना चाहता था, हाउ वॉज योर लाइफ वेन यू वेंट टू कोटा, मतलब व्हाट्स योर विजन अबाउट कोटा? इट वाज वेरी वेरी, आई मीन तो सारे, ज्यादातर जितने भी लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ सब यंग, सारी यंग एनर्जी, सारी सबको पढ़ाई करनी है, सबका एक फिक्स रूटीन है। तो उससे एक तो अपने आप ही माहौल बन जाता था कि हमारे शूट का भी एक फिक्स रूटीन होता है, हमें इतने बजे सेट पे जाना है, इतने बजे मेकअप शुरू करके फिर रीडिंग करके शूटिंग करनी है। और हमारे साथ जितने सारे को एक्टर्स थे वो काफी सारे वहीं के बच्चे थे, वहीं के स्टूडेंट्स थे। तो वो एक माहौल बड़ा इंटरेस्टिंग सा था कि मतलब पता है कि यहाँ पे हम मस्ती नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई एक्टर एक्टर वाली फीलिंग नहीं लेनी, जो कि नॉर्मली मैं नहीं लेती। बट वो इतने सारे डिसिप्लिन लोग आसपास होने की वजह से और ज्यादा ये हो गया। ऑफकोर्स वेदर बहुत ज्यादा ड्राई था, बहुत गर्मी थी, इतनी आदत नहीं है गर्मी सहने की। तो उस सब में एक एक करके हमारे विकेट डाउन हो रहे थे, एक एक करके हमारे क्रू मेंबर्स, कास्ट मेंबर्स बीमार पड़ रहे थे। तो वो भी एक चैलेंज था एडेड हमारे लिए। बीच में हमें शूट भी रोकना पड़ा ओके इसी वजह से। तो हाँ, तो काफी मुश्किल था लेकिन काफी आसान भी था कोटा में शूट करना। काफी आसान भी था। अच्छा मतलब जो एक्चुअल में कहते हैं कि बच्चों के ऊपर वहां पे प्रेशर रहता है, तो ड्यूरिंग द एक्ट या फिर जब आपने उसके बारे में भी रिसर्च की होगी, तब आपको लगा कि एग्जैक्टली माहौल क्या था बच्चों के ऊपर प्रेशर का? बच्चे लग तो बहुत खुश रहे थे ऑनेस्टली, बिकॉज एक तो उनको शूट पे आने का एक वो मिला था, उनके लिए तो एक वेकेशन जैसा था कि उनको उनको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा है कि कैसे होता है सब कुछ, आर्ट्स और यू नो स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग में क्या होता है। बट आई नो हर फील्ड में इतना कॉम्पिटिशन होता है, इतना स्पेशली यंग बच्चों के ऊपर इतना सारा उनके पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं। कभी 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 बच्चे खुद पे प्रेशर ले लेते हैं बिकॉज कुछ प्रेशर होता है, कुछ सबके अपने अपने सपने होते हैं कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, मुझे लाइफ में ये करना है। तो वो जो प्रेशर होता है वो कई बच्चों पे दिखता भी था, कई बच्चों पे नहीं भी दिखता था। सो आई वुड से कि फैमिली या देयर इज अ लॉट ऑफ, आजकल आपकी जो सीरीज है वो आ चुकी है, 5 एपिसोड्स धड़ल्ले से लोग देख रहे हैं मजे से एकदम। और उसमें उसकी एक छोटी सी, मैं सबको बता भी देता हूँ, छोटी सी स्टोरी जो है कि जो अपूर्वा है उनको प्यार हो जाता है जो एक ड्राइवर से, जो कि बाय प्रोफेशन एक ड्राइवर है, एंड साथ में वो अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश भी कर रही है सीरीज में। अब अपूर्वा मैं ये जानना चाहता था कि जैसे सीरीज में, तो हाँ वेब सीरीज में आपने जरूर पेरेंट्स को कन्विंस करी
करने की कोशिश की, सब मनाने की कोशिश की। रियल लाइफ में क्या कभी पेरेंट्स से कन्फेस किया है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है या फिर ये पसंद है, आई वांट टू डेट इट? नहीं ऑनेस्टली मतलब मेरा तो हमेशा ऐसा होता है कि मेरी लाइफ, ये लाइफ ऐसे चल रही है और ये मेरी फैमिली लाइफ है, ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, तो मेरे या ये मेरी सोशल लाइफ है, तो मेरे कैटेगरीज बहुत सॉर्टेड हैं, सो एक भी कैटेगरी कभी ओवरलैप नहीं करती जनरली, सो आई थिंक कभी ओके जरूरत नहीं पड़ी. मतलब सेपरेशन कर रखा है सबका, सबका अलग अलग कैटेगराइज हाँ कर रखा सबका है अलग अलग सबको कि टाइम, इधर से। सबसे अच्छा, अलग अलग एनर्जी सब. फैमिली आजकल की आपके हिसाब से यूएसपी क्या है? क्योंकि पहले भी ऐसी सीरीज आ चुकी है जहां पर जो पर्सन होता है वो सामने वाले की फैमिली को मनाने की कोशिश करता है, दिल हो गई, धड़कन हो गई, बहुत सारी इश्क मूवी हो गई। हाँ तो हाँ फैमिली आजकल की यूएसपी क्या है कि ये इनसे अलग है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एग्जांपल्स हमने पहले देखे हैं वो हमेशा लव स्टोरी सेंट्रिक रहे हैं कि प्यार की जीत होगी और ये सब होगा, विच इज गुड, लाइक ऑडियंस को मजा आता है देखने में, बट दिस इज आई थिंक इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ही लव स्टोरी नहीं है. इस शो का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इस लड़की की लड़ाई है, क्योंकि क्या है ना कि हम कितने भी लिबरल फैमिली में पैदा हो, कितने भी हमारे पेरेंट्स बिल्कुल हमको फ्रीडम दे, सब कुछ दे, कुछ ना कुछ एज अ फीमेल यू यू आर ऑलवेज फाइटिंग फॉर समथिंग, एंड दैट्स ग्रेट, बिकॉज आज से कुछ ही साल पहले तक विमेन वर नॉट इवन अलाउड टू हैव क्रेडिट कार्ड्स ऑफ देयर ओन विदाउट देयर ये तो मेल यू नो दिस वंस परमिशन. तो ये छोटी छोटी लड़ाइयां करते करते आज से 50 साल बाद और लड़कियां भी बोलेंगी ना कि अरे हमें पहले ये अलाउड नहीं था, 50 साल पहले ये अलाउड नहीं था, बात तो हर लड़की छोटी छोटी तो सही लड़ाइयां है। लड़ती रहती है, तो ये उसकी कहानी है. नाउ अ लव स्टोरी एंगल जस्ट एड्स टू द मसाला, मसाला भी जरूरी है और अच्छा लगता है देखने में, स्वीट लगता है. तो आई थिंक हाँ ये लड़ाई किसी भी लड़की की, किसी भी यंग इंसान की एक्चुअली हो सकती है, अबाउट देयर चॉइस ऑफ लाइफ स्टाइल, देयर चॉइस ऑफ लाइफ पार्टनर, चॉइस ऑफ सेक्सुअलिटी और वट एवर दे वॉन्ट टू डू इन लाइफ. आई थिंक ये मेहर की कहानी हम उस तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि ये आप जो लड़ते हो ये हम भी, मेहर भी वही लड़ती है रोज. ओके, सो अपनी कहानी जो है वो सबको कनेक्ट कर पाए, एक ऐसी स्टोरी फैमिली आजकल में सबको देखने को मिलेगी। तो एक और सवाल जो दिमाग में आता है कि अपूर्व, आपको ओटीटी से इतना लगाव क्यों है? मतलब आपने देखा, हाँ फिल्में भी जरूर की है, कन्नड़ फिल्म भी की है, इवन आपने देखा जाए ओएमजी भी इवन आपने की है अक्षय कुमार के साथ, डिस्को सिंह, दिलजीत दोसांझ और ओएमजी। तो लेकिन ओटीटी पर जब हम आपको देखते हैं तो ज्यादा प्रेजेंस देखने, कब हम आपको आने वाले टाइम में ज्यादा देखने वाले हैं फिल्मों में, कब आने वाला है वो समय? इंशाल्लाह वेरी सून. ऑनेस्टली लगाव मेरा फिल्म मेकिंग से है, लगाव मेरा एक्टिंग से है, परफॉर्मिंग से है, स्टोरी टेलिंग से है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अब मेरे जैसे लोगों के पास पिक एंड चूज करने का इतना ऑप्शन नहीं होता है, आई मीन दैट्स द रियलिटी ऑफ आर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो. सो जितना भी अच्छा काम मेरे पास आता है मैं वो करते जाती हूँ, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए हो, चाहे वो थिएट्रिकल रिलीज हो ना हो, चाहे वो ओटीटी रिलीज हो, चाहे कोई कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी ब्रांड हो, कुछ भी हो, लाइक मुझे काम करते रहना है ताकि और चांसेस मेरे लिए और अपॉर्चुनिटीज खुलती जाएं और अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करने का मौका मिले, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाने का मौका मिले. दैट बीइंग सेड कुछ कुछ चीजें आ रही हैं, वही है कि अब रिलीज थोड़ा स्लो ही होता है आजकल, बहुत सारे लोगों के पास हाँ ये बैकअप तो होते हैं, सो लॉट ऑफ थिंग्स विल रिलीज इन थिएटर्स, सम थिंग्स माइट रिलीज ऑन ओटीटी ऑल्सो, बट काफी इंटरेस्टिंग बैंक रेडी है, सो लेट्स सी. कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका आ रहा है? अपकमिंग एक शो है अनरियल, जिसको रोहन सिप्पी सर ने डायरेक्ट किया है, एंड देर इज अ वेरी ओके गुड okay. स्टार कास्ट, देर इज आदर जैन, देर इज श्वेता बासु, रसिका दुग्गल, कुणाल रॉय कपूर, सो देर इज अ बंच ऑफ रियली गुड एक्टर्स, रियली दीज लाइक दीज यू नो वेल नोन पीपल ऑल्सो, सो आई थिंक वो शो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लोगों को बहुत एक अलग ही वाइब मेरे कैरेक्टर में देखने को मिलेगी. अच्छा, फिल्म फिल्म से मुझे याद आया, जो आपने जब डिस्कोसिंग करी थी वो थी दिलजीत दोसांझ जी के साथ, उनकी हाल ही एक्चुअली में चमकीला आई है, चमकीला देखी है आपने? मुझे फिल्म देखने का मौका नहीं मिला, मुझे मैं खुद मतलब एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रही थी और बहुत ओके अच्छा, नेटवर्क तो भूल जाओ, कॉल भी करना मुश्किल था, तो कभी कभी ऐसे दूर दूर जाकर मैसेज करना पड़ता था कि मैं ठीक हूँ, सो आई वॉज बिजी ट्रेनिंग देयर, बट हाँ मैं प्लान कर रही हूँ कि एक एक करके सारी फिल्म देखती जाऊँ जो भी रिलीज हुई है. हाउ इज दिलजीत दोसांझ इन पर्सन, मतलब ऑन द सेट अकॉर्डिंग टू यू? क्योंकि लोगों के मन में काफी क्यूरियोसिटी है, उनकी जो वीडियो
आती हैं, वायरल भी होती है काफी ज्यादा। सो राइट हाउ राइट इज दिलजीत दोसांझ ऑन दी सेट्स एंड इन पर्सन? आई थिंक ही इज जनरली ही हैज अ वेरी काम एंड लाइक क्वाइट डिमीनर, बट आई कुड टेल दैट देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन हिज हेड. देयर इज अ लॉट ऑफ मस्ती, देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी, बट आई थिंक दैट ही लाइक्स टू कंजर्व दैट एनर्जी, व्हिच इज ग्रेट फॉर अ फिल्म एक्टर टू बी एबल टू कंजर्व योर एनर्जी एंड यूज इट इन द राइट प्लेसेस, बिकॉज यू आर डूइंग लाइक 14-15 आवर शिफ्ट्स. And you have to really make sure that that energy is only expelled when you're in front of the camera. So that's a very smart thing to do, I think. And he's, I think, very intelligent. He explores a lot. I feel like from his Instagram also, I feel like travels, he reads whatever he can, चाहे किताबों में photos हो ना, I think he does. And also cooking and all of those things that he's cultivating, it makes me feel really nice that an artist को ऐसे grow कर रहे हैं चारों direction में. And that's really cool. अच्छा, एनएसडी से आपने भी बताया कि आपने भी एनएसडी में ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद आपने करियर कंटिन्यू किया। अगर आज के दौर को देखें तो फिल्म्स का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। पहले होता था या तो आप नेपोटिज्म का हिस्सा हो या फिर आप एनएसडी से ट्रेंड हो, वेल ट्रेंड एक्टर हो। अब एक नया फैक्टर जो है वो जुड़ चुका है, वो है सोशल मीडिया। अगर इन्फ्लुएंसर हैं आप अच्छे तो आप इधर भी आ सकते हैं, आपको एक फेस वैल्यू इधर भी मिलेगी और आप जिससे कि हम आपके फॉलोअर्स को भी फिल्म दिखा सके। सो हाउ डू यू सी इट, कि इज इट गुड फॉर द इंडस्ट्री और इज इट बैड फॉर द इंडस्ट्री? आई थिंक वॉट्स गुड फॉर द इंडस्ट्री इज टू गेट एक्टर्स हु आर एक्चुअली सीरियस अबाउट एक्टिंग, एंड स्पेशली इफ दे आर ट्रेन्ड इन सम ऑर द अदर वे. अ लॉट ऑफ एक्टर्स आर ऑल्सो ट्रेन्ड ऑन द जॉब. जरूरी नहीं है कि वो कोई बड़े स्कूल गए हो तभी वो अच्छे एक्टर हो सकते हैं, बट मेरा बस पॉइंट इतना है कि वो एक्टर एक फिल्म मेकिंग की बेसिक राइटिंग की बेसिक परफॉर्मिंग की एक ट्रेनिंग या एक तजुर्बा लेके आए तो ही वो अच्छा होगा फिल्म के लिए. बाकी अगर फोकस फॉलोअर्स है किसी का तो ठीक है, वो भी मैं समझ सकती हूँ. मतलब दैट्स नॉट समथिंग दैट आई कैन कमेंट ऑन, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड इफ समवन्स पुटिंग इन देयर मनी दे वुड वांट रिटर्न आल्सो. अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलैरिटी एंड फेमिलियरिटी. इफ एन एक्टर स्टेप्स आउट इन द स्ट्रीट्स, एंड दिस इज नॉट मी बट आई एग्री विद व्हाट ही सेड, एन एक्टर स्टेप्स आउट इन द स्ट्रीट्स दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर वर्क, बट इफ समवन विद An Instagram presence steps out in the streets, it'll take you a long time to realize who they are, and you'll probably go back, see your phone, and realize, "Acha, oh, ye wo tha." So, no disrespect, but when you're making a film, you need actors. That's all I can say. You need actors. You need people who are serious about building a character and playing that character. अच्छा, जब हम बात करते हैं आपके करियर की तो काफी सारे रोल आपने निभाए। फेमस तो आप पहले से ही, मतलब सब जानते हैं कि आप बहुत पहले से दिखने लग गई थी सबको। लेकिन अगर एक बूम कहें तो वो आया कॉलेज रोमांस से, ठीक है, राइट एक अलग लेवल पर। सबने कहा कि भाई नायरा बंदी हो तो नायरा जैसी ही, वरना राइट नाको, तो यही कह रहे थे। और यहाँ पर एक जो सवाल सबके दिमाग में आया थर्ड सीजन के बाद वो ये था कि ट्रिप्पी कहाँ गया भाई, ट्रिप्पी कहाँ गया? तो इसके पीछे का जवाब अगर मिलता है, ट्रिप्पी कहाँ गया? जरूर. नो आई थिंक मंजोत सीजन 1 के पहले से ही, आई थिंक मंजोत एंड आई वर द ओनली टू एक्टर्स इन द कास्ट हु वर ऑलरेडी एक्टर्स. Of course, he had done films like Pukre, he'd done Oyelapti. So of course they are always going to be an issue. Getting dates match नहीं हुई और बीच में कोविड की वजह से काफी कुछ ऊपर नीचे हुआ, सीजन्स लेट हुए. सो आई डोंट आई थिंक दैट सोनी कुड नॉट अफोर्ड टू डिले इट फर्दर, एंड डेट्स मैच ना होने की वजह से मनजोत वो सीजन कर नहीं पाया. बट आई वॉज सो सरप्राइज एंड सो ग्लैड दैट ही एक्चुअली केम फॉर द लास्ट सीजन, एंड लाइक एक होता है ना जब सारा कुछ जुड़ता है, जस्ट टाई थिंग्स टुगेदर. So I think that was beautiful. I'm glad कि वो तो वर्कआउट हो गया कम से कम. ये तो बात है, क्योंकि ट्रिप्पी का एक अलग फ्लेवर आता है कॉलेज रोमांस में ना, क्या बात है। अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर हमने आपके लिए तैयार किया है, हाँ जी अगर आप तैयार हैं तो हम स्टार्ट करें। एब्सोल्युटली. क्या बात। नंबर 1, अपूर्वाज फेवरेट एक्टेड कैरेक्टर एवर, मतलब आपका दैट आई हैव फेवरेट डन कैरेक्टर जो आप, या ओके. दिस हैज टू बी चारुलता फ्रॉम माई कनाडा फिल्म मुगुल नगे, बिकॉज इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ चैलेंज. आई हैड टू गेट द लैंग्वेज राइट, आई हैड टू गेट द कैरेक्टर राइट, विच वॉज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम मी, एंड आई ऑल्सो हैड टू गेट द डायलेक्ट राइट, विच वॉज कुंदापुरा ओके कन्नडा, एंड आई वॉज आई हैड 1 डे टू प्रिपेयर, एंड आई थिंक आई डिड फेयरली वेल, सो दैट हैज टू बी माई फेवरेट.
फूड आइटम यू डिसलाइक? आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनीथिंग विथ मशरूम्स इन इट. मशरूम, सेम पिंच, सेम पिंच. बेस्ट प्लेस फॉर वेकेशन अकॉर्डिंग टू यू? मुझे लगता है मुझे कहीं भी ले जाओ, अकेला छोड़ दो, दैट विल बी द बेस्ट प्लेस फॉर मी. जस्ट लीव मी बी इन इंडिया. अब्रॉड आई वुड से आई रियली वांट टू गो टू इटली समटाइम. इटली. ओके, योर गो टू फूड? माय गो टू फूड इज पराठा एंड वन डे ओल्ड दाल मखनी और राजमा. एन एक्टर यू विश टू वर्क विद? There are so many actors I want to work with, but it has to be Helena Bonham Carter. Just to be in her presence would change my life, I think. And in Bollywood? In Bollywood, if I wanted to act opposite someone, it has to be Vijay Verma. Gulshan Devaiya is someone I really admire. So yeah, these two actors for sure. A song on loop these days. Oh, there's a song by Kuldeep Manak, which is like a folk tune, but someone's made a remix on it. It's called Jim Kadke. Throughout my training, I was listening to the song every morning just to wake myself up. So I think that has to be the song. Okay. Three things that family आजकल taught you. Family Aajkal on a personal level taught me how to be on a set with multiple friends on it and not I mean, you know, sometimes what happens is you are scared that you don't cross limits just because they are your friend and people don't take that as a sign of, you know, you being acting too cool. So that I got a good idea of how to function on a set with multiple friends. That is one. Two is that judgment comes from a place of self-preservation. That's one thing that I've learned. And I mean, we try to always sort of protect ourselves, इसीलिए हम दूसरों को शायद जज कर लेते हैं एकदम से. सो दैट्स ओके, कभी कभी कोई जज कर लेता है तो उन्हें माफ कर देना चाहिए. थर्ड वुड बी कि अगर आप दुनिया बदलना चाहते हो तो उसमें शायद बहुत वक्त लगेगा, लेकिन जैसे मेहर ने अपने लिए चीजें बदली, लड़ाई करके, मेहनत करके, अपनी आवाज उठा के, आप अपनी दुनिया बदल सकते हो, अपनी दुनिया से शुरू कर सकते हो. एंड दैट्स व्हाट्स गोना चेंज द वर्ल्ड फॉर यू एंड फॉर एवरीवन एल्स. बहुत खूब यार, क्या बात है ये, बहुत बढ़िया. फिल्म्स और ओटीटी? फिल्म्स या ओटीटी? ओके, No, I'm not answering that. It's both for me. It's film making. इट्स फिल्म मेकिंग. ओके, एंड वन वर्ड फॉर टुडेज होस्ट? मजेदार. क्या I won't say बात है, मजेदार, I'll say मजेदार. मजा. मजेदार मैं मर जाऊंगा गुड़ खा के मम्मी. सवाल. क्या बात. ओके, इन द एंड मैं बस ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने इस जो सीरीज की फैमिली आजकल, जब इसको पूरा पूरा निभा दिया, सो हाउ वाज, मतलब आपके घर वालों ने भी देखी होगी, सो हाउ वाज देयर रिएक्शन? की क्योंकि फैमिली की बात हो रही है भाई, फैमिली ने नहीं देखी तो कहाँ आगे जाएगी बात. तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन की फैमिली आजकल जैसी फैमिली होनी चाहिए या फिर अपनी वाली बढ़िया चल रही है? नहीं, आई थिंक वो जितने भी चीजें वो समझते हैं वो इंटरनलाइज तो करते ही होंगे. बट द बेस्ट फीडबैक हाँ वाज दैट माय फादर डिडंट फॉल अस्लीप. ही इज फॉलन अस्लीप इन वन ऑफ माय व्हाइल वाचिंग वन ऑफ माय शोज एंड ही इज वेरी क्रिटिकल, वेरी टू द पॉइंट. आई मीन ऐसा नहीं है कि ही इज हैरो सिंह उड़ान वाले, बट ही इज टू द पॉइंट. सो ही इज नॉट गोना मिंस हिज वर्ड, बट ही इज ऑल्सो नॉट गोना बी आउटराइट कि बड़े अरे बहुत बेकार है. So the fact that my father sat through the whole thing and also told me that this is one of your most mature acting performances, the most thought out and most you know, nicely delivered also, is that like that was a huge compliment. And my mother likes everything I do, so. बहुत खूब. उम्मीद करते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, और मैंने तो देख ली है भाई, आपने देखी नहीं देखी आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में. थैंक यू सो मच अपूर्वा फॉर ज्वाइनिंग विद अस, एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. Thank you. See you. Bye-bye. थैंक यू, सी, बाय बाय.